जी आप अपना परिचय दीजिए। मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। आपके प्रत्याशी सुभाषपा और सपा से जो गठबंधन के प्रत्याशी अजगरा से सुनील सोनकर जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे 385 अजगरा विधानसभा से श्री सुनील सोनकर जी और शिवपुर विधानसभा 386 से डॉक्टर अरविंद राजभर जी दोनों लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लगी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिल जान से लगे हैं अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अपना दल कबीरावादी पार्टी लगी है, भागीदारी पार्टी लगी है, भारत माता पार्टी लगी है, जयंत चौधरी की पार्टी लगी है, जनवादी पार्टी लगी है। सारे दल के लोग आज अरविंद राजभर और सुनील सोनकर जी को अपने बच्चे की तरह आशीर्वाद देकर, और जहां आप जाएंगे विधानसभा में, अजगरा हो या शिवपुर हो, आप जाकर देख लीजिए, घर घर चिल्ला कह रहा है कि ऐसा ही हमको नेता डॉक्टर अरविंद राजभर और सुनील सोनकर की तरह इस विधानसभा को जरूरत थी। क्योंकि जितने भी विधानसभा में आज तक जनप्रतिनिधि आए, विधायक हुए, सब ने अपना विकास करने का काम किया, लेकिन यही दो बच्चे, यही दो लड़के ऐसे आए हैं जो शिवपुर और अजगरा विधानसभा का रंग बदलने का काम करेंगे, वहाँ की व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। आपने सुना होगा डॉक्टर अरविंद राजभर जी की बात, सुनील सोनकर जी की बात। उन लोगों का कहना है कि हम लोग अपने अपने विधानसभा में एम्स की तरह हॉस्पिटल खोलने का प्लान हम लोग के पास है, और जो भी सरकार अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी की बनेगी, तेवी हम लोग अपने अपने विधानसभा में एक बड़ा 100-100, 200-200 बेड का बड़ा हॉस्पिटल एम्स के तर्ज पर यहाँ खोला जाएगा, ताकि हमारे विधानसभा के लोगों को, गरीबों को, मरीजों को, शोषितों को, पीड़ितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम लड़ाई वहाँ पर जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है जो गरीब आज बेरोजगार हो गया है, जिसके घर में कोई काम काज नहीं है, उस घर में हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये बिजली का बिल यूनिट के हिसाब से लगाकर वहाँ के लोगों की पूरी रोजगार, जो भी कमाई का पैसा थोड़ा बहुत है, वो भी लेने का काम कर रही है। हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू बिजली फ्री करने जा रहे हैं। और तीसरा, हम लोग शिक्षा के स्तर को शिवपुर विधानसभा, अजगरा विधानसभा ही नहीं, पूरे बनारस के सभी विधानसभाओं में सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोग करेंगे, शिक्षा। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको सारी व्यवस्था हम लोग देंगे, कलम, किताब, कापी, ड्रेस, स्कूल बस तक हम लोग व्यवस्था कराएंगे।